तो भाई आज फौजी भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अरे भैया आज हथौड़ी ना आया, हथौड़ा ना दो मिनट को एक रह गए। अभी तुम कैमरे में मार देती और टूट जाता कैमरा, जो बात है। फिर मैं आपसे कहता थैंक यू सो मच कैमरा तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई हम कह ही कह सकते हैं, डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, पिट सकते हैं, डांट खा सकते हैं। लो फौजी भाई इसे फटाफट रखो। तो गाइस मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। देखो भाई ये क्या है? ये भाई काफी भारी है, मतलब भाई ऐसा लगता है जिसकी हम बचपन में वो स्लेटी आती है ना उस पर लिखते थे, इस तरह का ऐसी कुछ है। वैसे मैं आपको इस पर कुछ लिख के भी दिखा देता हूँ। ये रहा भाई सफेद मार्कर, देखो भाई क्या मस्त राइटिंग आई इस पर, बिल्कुल स्मूथ पर। देखो भाई कितने स्क्रैच इस पर पड़ रहे हैं, देखते हैं इस पर स्क्रैच पड़ेंगे नहीं पड़ने चाहिए। अरे वाह क्या बात है। खैर यार ये भाई एक मस्त चीज है। तो गाइस पता लगाओ भी ये क्या है। वैसे गाइस आपको देखने में ही बिल्कुल ये किसी एलसीडी की या एलईडी की डिस्प्ले लग रही होगी। अमन भाई लगाना धर्म काटा मारा भाई, ये ऐसे हैवी नहीं है, ये वजन में भारी है। ये क्या सेंस हुआ आपका? ये फंस गया। खैर जो बात है मैं आपको गाइस लाइव दिखाता हूँ। हर कोई रहता है, चालू करके रहता है। देखो भाई 00 और भाई साहब देखो भाई देख रहे हो गाइस, देखिए 2 kg अप्रोक्स इसके अंदर वेट है भाई साहब, 1987 ग्राम। तो गाइस आपको खुद ही अंदाजा लग रहा है भाई कितनी भारी है, 2 kg के अंदर वेट है। पहले तो खोल के देखते हैं, फिर गाइस देखेंगे कि इसमें से हमारे काम की क्या क्या चीजें निकलेंगी। गाइस मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज इसमें से निकाल के दिखाऊंगा, तो गाइस आपको काफी काम आएगी। आई होप गाइस वो निकल जाएगी इसके अंदर। अगर भाई नहीं निकली वो बात का टॉपिक है, पहले गाइस मैंने निकाली थी, तो गाइस वो काफी काम की चीज है, वो आपको मिल जाएगी। और गाइस ये मैं लेकर आऊँ, आप जानते हो कहाँ से लेकर आऊँ, लोग समझ जाते हैं कहाँ से लेकर आऊँ। और देखिए आवाज सुनो भाई तुम, वाह देखो ना, मैं सोच रहा भाई साहब पैंट फटने वाली आवाज आएगी, लेकिन आवाज आई ही नहीं। वो बस तक दो बार यहाँ रखे हैं, और गाइस दो बार यहाँ रखे U2 और B2। ठीक है गाइस ये लिखा देखो, यहाँ पर देख लो भैया लिखा है मेड इन चाइना। यार ये भारी बहुत है। तो भाई मतलब ऐसे नहीं कि आपको समझ 2 kg का वजन नहीं होता, भाई वजन तो नहीं होता, लेकिन भाई साहब ये जो पकड़ में नहीं आ रही है कितनी पतली है, देखिए 1/2 inch बल्कि 1/2 inch से भी गाइस कम है ये। तो गाइस ये पकड़ने में काफी, देखिए ऐसा करूंगा ना, देखिए ऐसा नहीं आएगी, ऐसा करनी ऐसा कटानी पड़ेगी। तो भाई इसे फटाफट खोलते हैं, तो गाइस इसमें से काम की चीज निकालेंगे, धातु गाइस हो सकता है और भी काफी काम की चीज निकले। तो भाई मैं लेकर आया हूँ देखिए स्क्रू ड्राइवर, ये भैया इसका बोर्ड बड़े छोटे छोटे लगा रखे हैं चाइनीज वाले, जैसे खुद होते हैं ऐसे इसको लगा रखे हैं। ओ भाई साहब हमारे तो एक ही जिम आ रही है, ये लो भैया चाकू और ऐसे करा दो। देखो भाई साहब भाई काम की चीज है इसके अंदर भी, और ये ऐसी कैसे लग रही है। देखो भाई ये काम का है देखो, ठीक है। और गाइस प्रीसेट भी काम का है, ये वाला प्रीसेट मैं थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, जरा आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में, ठीक है। और हमारे इसमें क्या काम का है, इसमें और हमारे कुछ भी काम का नहीं है। मेरे भाई से जी देखते हैं खोल के, गाइस आज का अच्छे से ऑपरेशन कर देंगे हम इसको। गाइस मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए चक्कर में, तो भाई इसे जोरा टेढ़ा करना पड़ेगा, भाई ऐसे खुलेगा नहीं बनना बिना टेढ़ा करे। ओहे निकल गया ये, जिंदा हो गया। देखो भाई साहब, ओ भाई देखिए बिल्कुल ग्लास गाइस बिल्कुल खराब है, आपको देखने में लग भी होगी, देखिए ये देखिए ये भाई ये टेढ़ा बढ़ा रहा है गाइस, ये खराब है बिल्कुल। अमन भाई चमक रहा हूँ मैं, ना मैंने चमक रहा, अच्छा अरे भाई, अरे गाइस मैं खास बात भी देखो, मैं तो भाई चमक रहा हूँ इसमें, लेकिन भाई सामने वाला नहीं चमक रहा, मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ लेकिन तुम मुझे नहीं दिख रहे। अब ऐसा करता हूँ देखो भाई, अब तुम दिख जाओगे। खैर ये मस्त है भाई, काफी गंदा भाई, कपड़ा लो यार, कहाँ है कपड़ा हमारा, कच्चे साफ कर रहा पहले। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ओ देखा इस लाइट कैसे लग रही है ऊपर की, देखो बढ़िया भाई, इसे हाथ वाथ साफ करते रहेंगे जिससे यहाँ पर धूल मिट्टी ना हो जाते हैं। लो भाई लो भी साफ, इसमें से ले निकलेगी। देखा एक लेयर तो भाई निकल गई, ठीक है आपके सामने, दूसरी लेयर गाइस ये रही भाई, सब बुलर दिखाया जा रहा है। देखा गाइस सब कुछ बुलर दिखाया, बुलर इफेक्ट मार दिया, तो हमारा जो कैमरा है वो अच्छा बुलर मारता है। देखिए अमन भाई के मुंह पे बुलर मार रहा है। फौजी भाई आ जाओ तुम्हें कुछ दिखाऊं, ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। और गाइस यहां पे देखिए एक इंद्रधनुष टाइप का बन रहा है, देखा गाइस ये देखिए ये देखो ये गाइस। अगर आपको मैं बताऊं तो कैमरा आपको सिर्फ 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि 3, एक येलो एक रेड और थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश टाइप का भी आ रहा होगा, हल्का सा साइड में। लेकिन गाइस मैं आंखों से देख पा रहा हूं ना बिल्कुल लाइव, गाइस ये रेनबो एक इंद्रधनुष सा, अगर मैं आंख में देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि मोबाइल में यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए जगह क्या मस्त चीज है। तो गाइस 2 लेयर हो गई, भाई देखो यार मुंह बोलो मान लो अपना, देखो कैसे लाइट लगाते हैं ना, देखो भाई ये बढ़िया 2 लेयर होगी, उतारो फौजी भाई ये 30 लेयर भाई देखिए। अरे भाई अरे इसका देख काम हो जाएगा फौजी भाई, इसे मिरर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ लगा दिए थे गाइस, ये मिरर की तरह भी काम कर सकता है, ऐसा पलट देखो, ये भाई फ्लेक्सिबल मिरर की तरह काम करेगा। फौजी भाई देखना मुंह देखना, ऐसे दिख रहा ना, अरे भैया क्या चक्कर है, देखो गाइस मुंह यहाँ है, चमक यहाँ रहा, मंडी देखो गाइस चेहरा इधर है फेस, और फौजी भाई चमक यहाँ रहे नीचे।
गर्दन गया भैया देखो लोगों ने पकड़ने दे रहा। देखो गाइस बिल्कुल पार देखिए, ऐसे कोई लाइट नहीं पड़ रही ना। देखो गाइस ऐसे पानी देखिए कहाँ पे आ रही है पिक्चर। ले भी लोंटे पकड़े जा रहे थे। देखो गाइस अभी से चमकना स्टार्ट हो गया यार। देखिए क्या करामात, क्या यार मतलब देखो तू ना समझ सकता भाई। देखो ग्लिच इफेक्ट दिख रहा है। हां देखो पास से रहा था। देखो गाइस ये रहा, ये पास से रहा। देख मुझे देख, देख मैं यहां पकड़ रखा है। कहां दिखाई दे रहा हूं मैं? वहीं दिखाई दे जाऊंगा, नीचे दिखाई दे रहूंगा। हां अब आ गया। देखो गाइस बोने लग रहे, मतलब यहां है मेरा फेस। और गाइस यहां से देखिए पास भी चमक रहा, यहां से रिफ्लेक्शन को देखिए ये कैसे चमक रहा है। तो भाई बिल्कुल अजीब ही चीज है भाई, मतलब किसी को भी बेवकूफ बनाना हो तो भाई मजेदार चीज है। इसे संभाल कर रखो। और भैया तीन लेयर हो गए ठीक है, और चौथी लेयर भाई साहब ये रही, चौथी लेयर ये बिल्कुल प्लेन है, इधर से बिल्कुल चिकनी स्मूथ। और भाई ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी टाइप की है, थोड़ी रफ टाइप की है। देखो देख रहे हो, और देखो ये स्मूथ है बिल्कुल प्लेन। देखो ठीक है, और भाई ये थोड़ी सी फुट रही है, देखो आपको लग रहा होगा देखना। भाई ये भी ब्लर इफेक्ट डाल लिया होगी। नहीं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए भाई ये है ग्लास, देखिए भाई ग्लास नहीं है, ये एक्रिलिक शीट है, यानी ट्रांसपेरेंट शीट है प्लास्टिक की। देखो भाई कितनी हैवी शीट है भाई, इसके नीचे जो है ना देखा ये एलईडी लग रही है, ऊपर नीचे दोनों से एलईडी लग रही है। लेकर आओ जरा हमारी पावर सप्लाई लेकर आओ। मुझे क्या लगता है भाई ये दोनों के दोनों एलईडी के होंगे, यानी कि एलईडी स्ट्रिप होती है ना पूरी, उसके वायर होंगे। लेकिन लगाने का मगर बाद में देखना, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। चल झूठा, आई थिंक ये 12 वोल्ट में होगी। क्यों भाई फौज भाई ने की हो सकती है, फौज भाई की प्रोडक्शन चेक करते हैं कितना हो रहा है। 9 वोल्ट अभी फिलहाल से 9 वोल्ट ही रख देते हैं। नहीं चला, नहीं चला, नहीं चल रहा अभी। ये ऑलरेडी गए करो, ये बिल्कुल भी एनर्जी भी कंज्यूम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहे। हमारे बढ़ाने कर दो, 12 वोल्ट कर दिए ठीक है। नहीं तो भाई साहब हमारा फर्ज बनता है कि नहीं निकाल के देखें। देखे भाई ये निकल के ऐसे, भाई साहब आई थिंक, देखिए भाई ये आई थिंक खराब है यहाँ से। भाई ये पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है ट्यूबलाइट हो छोटी सी। देखो भाई ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जगह, देखिए पूरी की पूरी ट्यूबलाइट हो एक। भाई ये पूरी पूरी ट्यूबलाइट है और ये इसका होल्डर है। तो गाइस मैं पहले फटाफट से निकाल लेता हूँ। भाई मैंने निकाल ही ली है। ओ टूट गई। देखो भाई भाई छोटी सी देखी, ये ट्यूब ही है गाइस जो पूरी जल्दी। देखो भाई कितनी बारीक ट्यूब है, देखिए गाइस भाई ये पूरी जल्दी है भाई, कमाल हो गया ये तो। क्या जल्दी कितना मजा आता। देखिए भाई ये खराब है, क्या कर सकते हैं भाई। इतनी पतली ट्यूबलाइट गाइस मैंने लाइफ में पहली बार देखी है, इतनी पतली ट्यूब। इसके अंदर गाइस बजा देते 1.5 या 2 mm होल होगा, दिख रहा गाइस देखिए पाइप सब पूरा। लेकिन गाइस ये खराब है, देखो यहाँ से काली पड़ रही है और भाई यहाँ से भी काली पड़ रही है, सारा मूड खराब पड़ गया यार। वाह ट्यूबलाइट वर्ल्ड स्मॉलेस्ट थिनेस्ट ट्यूबलाइट। तो भैया ये तो गाइस क्या खराब निकली, वैसे खराब गाइस दोनों ही है, लेकिन मैं दूसरी बार चेक कर लेता हूँ। ये रहे ट्यूबलाइट नन्नी मुन्नी सी, क्या बात है, क्या यार क्या कर देखना बाकी रह गया अभी। इसका बिल्कुल कुछ पता नहीं है चलने का। गाइस के चल जाती है ना भाई, मतलब मजा ही आ जाता भाई जब आते हैं ना, इतनी पतली लाइट। लेकिन क्या कर सकते हैं खैर भाई, अगर हम इसे साफ करके देखा तो गाइस कितनी पतली लगेगी। पहले मैं तो थोड़ी तोड़ के देखता हूँ। देखिए यहाँ से पकड़ा, देखो भाई ये भाई गिलास है भाई, चुप सकता है। देखो ये वाला पीस टूट गया ना। तो भाई अमन भाई साफ करने गए थे ना भाई साहब, इसके अंदर पानी ना गया होगा, निकल रहा आज के अंदर अलग से एक थोड़ा सा पेंट हुआ ना इसके अंदर, व्हाइट कलर का पेंट इसके अंदर कुछ हुआ है वरना भाई ये देखो हाथ में भाई लग सकती है। तो भाई हम इसे जो है ना फिलहाल ऐसे रख देंगे। भाई ये रही शीट, देखो भाई साहब। तो ये रहे फौजी भाई, और दोबारा से ये रहे फौजी भाई, भाई साहब देखो। ओ भाई क्या इफेक्ट आ रहा है बॉस, ले जाओ भाई ताओ को, इतना बीड़ी पीने का काम आएगी। भाई ने थोड़ी साफ करी से किसी कर, भाई लग जाएगी हाथ में बहुत बारीक है। देखो ये कितनी बारीक चोंच निकल ली है, ये हाथ में लग जाएगी। और भाई ये भी निकली लोहे की शीट इसमें से, जो की काफी हैवी शीट है। तो भाई इसका भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। गाइस ये मेरे को 80 रुपए का मिला है, काफी सस्ता मिल गया। तो गाइस 80 रुपए में गाइस ये सारी चीजें मिल गई हैं। लेकिन भाई ये काफी मस्त है गाइस, ये अकेला ही 80 रुपए से ज्यादा का है। देखो ये जो शीट ना, अगर गाइस आप मार्केट में लेने जाओगे तो भाई ये काफी कॉस्टली शीट मिलती है, क्योंकि भाई साहब मैं लेने गया था 30 रुपए 40 रुपए स्क्वायर फीट मिल रही थी गाइस, वो भी 1 या 2 mm की। और भाई ये तो काफी मोटी है, देखो भाई क्या ग्लास इफेक्ट आ रहा है। इससे गाइस हम बुक रीडर बना सकते हैं, जो हमने बनाया था अभी जल्दी में। जैसे भाई हमने ये बुक रीडर बनाया था, अगर मैं इसे निकाल के दिखाऊं जो कि निकल नहीं रहा है। देखो गाइस ये रहा भाई बुक रीडर, देखे भाई पता नहीं गाइस आपने इसकी वीडियो देखने देखी, लेकिन भाई ये काफी मस्त है, बहुत अच्छा काम करता है नाइट में भी। देखिए दिन में गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ पे स्टूडियो में इतनी सारी लाइट है उसके बावजूद गाइस आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो कमी ज्यादा हम कर सकते हैं। देखिए गाइस इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल बंद, और देखिए
काफी मस्त चीज है। तो गाइस इस वाली सीट से ये आराम से बन जाएगा। हाँ तो गाइस कितनी सारी चीजें मस्त निकली जो गाइस हमारे काम की थी, मतलब कुछ नई चीज जो गाइस हमने पहले कभी नहीं देखी, ऐसे गाइस मतलब चीज निकली और गाइस मजा ये बहुत आया। गाइस ये काफी भारी सीट है भाई, इसका हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे गाइस ब्लूटूथ स्पीकर हो गया या पावर बैंक हो गया या ट्रैक्टर होगा, गाड़ी होगा, हवाई जहाज, कुछ भी गाइस आप बना सकते हो, क्रिएटिविटी एंडलेस है, उसके तो कोई एंड नहीं है भाई। तो ये काफी भारी ग्लास है और थोड़ा सा मोटा ग्लास है ये भाई, कम से कम होगा 6 से 7 mm मोटा है। ठीक है ये रहा 6 mm, ठीक है ये। तो भाई काफी मजा आएगा इस एलसीडी को खोलकर या डिस्प्ले को खोलकर, और काफी गाइस नई नई चीज इसके अंदर से निकली। तो गाइस आपने देखी कितनी लेयर भाई इसके अंदर से निकली है, तो गाइस कोई भाई बता सकता है इसमें से कितनी लेयर निकली, कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इसमें कितनी लेयर थी, एक ऊपर एक कितनी परत गाइस निकली है। उसके बाद गाइस बिल्कुल लास्ट परत निकली है जो कि गाइस ये मोटी वाली एक्लिक सीट है जो गाइस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट है। तो गाइस काफी अच्छा लगा भाई खोलने में और काफी मजा आया, कुछ गाइस नया सीखने को मिला, ऐसे गाइस चीज मैं काफी ढूंढते रहा तो मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो अचानक गाइस हाथ में लग जाती है, मैं लेकर आ जाता हूँ जिससे गाइस मैं आपको दिखा सकूँ और गाइस मैं भी कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ। और गाइस इतनी पतली ट्यूबलाइट काफी अजीब लगी और ग्लास की एक छोटी सी पतली सी नली, ग्लास से छोटी सी नली थी पतली सी, बिल्कुल जल जाती कितना मजा आता। तो गाइस व्लॉग का एंड करते हैं, आयो फ्रेंड्स ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, कुछ गाइस आपने नया सीखा होगा, कुछ नया आपने देखा होगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।